79th नेशनल सेमिनार गोल्डन अचीवर अवार्ड में मुंबई में हर एक कैटेगरी को सम्मानित किया गया, जिनमें से फिल्म अभिनेता, फिल्म रिपोर्टर, न्यूज जगत के बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से 8 साल से इंडिया टीवी और अभी इंडिया न्यूज के साथ काम कर रहे एंटरटेनमेंट रिपोर्टर वसीम अख्तर को सम्मान दिया गया। वसीम अख्तर का कहना है कि देश में जातिवाद प्रथा चल रही है, वो एक बहुत ही बुरी चीज है। जब रास्ता चलते हैं तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 10 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री। अवार्ड मिला है, खुशी होती है, क्योंकि जब आप काम करते हैं, लोग रिकग्नाइज करते हैं, तो जाहिर सी बात अच्छा लगता है। अवार्ड मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे। बस आप ये सोचिए कि रोज़ जो अपना कंट्रीब्यूशन है मीडिया इंडस्ट्री में, जो आप काम करने के लिए हैं, वो काम को अच्छी तरीके से करें और अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा देते रहें। जब कोई अवार्ड मिलता है ना, तो इंसान के अंदर एक पावर आता है, तो शायद जो लगन से आप काम करते हैं, दुगनी शक्ति मिलती है काम करने के लिए। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, जिस तरीके से 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी कई सारे अवार्ड्स मिले थे। और सिर्फ अवार्ड्स के लिए काम नहीं करता आदमी, एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप कितने सेटिस्फाइड हो। तो आप जब सुबह उठते हो, जब ऑफिस जाते हो, अपना 100% दे करके आते हो, और ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन हमने अच्छे से तरीके से काम किया, तो वही सक्सेस है, वही अवार्ड है, वही रिवॉर्ड्स मेरे लिए। हाँ, एक बार मुझे याद है कि जोगेश्वरी हाईवे पे एक स्कूल बस थी, जो सीएनजी गैस जो है उसका ब्लास्ट हो गया था। तो मुझे फ़ोन आया, मैं गया वहाँ पे, तो जो बच्चे थे उनको देख करके मैं इतना रोया, शायद ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था, क्योंकि उनकी बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उसके बाद मसीना हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, उनके लिए बहुत सारे फंड्स रेज कराए मैंने। उसके बाद आज जब वो बच्चों को देखता हूँ मैं, तो खुशी होती है कि चलो कोई तो अच्छा काम हुआ, कुछ तो अच्छा किया किसी के लिए हमने। तो ये छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको है ना, सेटिस्फाई करता है। और हमेशा इस तरीके से सिर्फ मैं नहीं, मीडिया इंडस्ट्री ने, हर लोग को ऐसा ही रोज़ सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो।